सब्सक्राइब करिए अन्या टेक साहब LLP चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सिंह, अन्या टेक साहब LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं UPI QR कोड B2C इनवाइस के लिए मैंडेटरी हो गया है दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से। दोस्तों जैसा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि आप यहां पे देख रहे हैं कैलकुलर नंबर 146/2021 GST, यहां पे देखिए फाइन नंबर CBEC-2016-38/2020 GST, एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों आपका 23 फरवरी 2021 को कि अब B2C जो भी इनवाइस आपके रेस होंगे उसमें QR कोड मैंडेटरी हो गया है दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से। एज पर गाइडलाइन आप देख रहे हैं जो नोटिफिकेशन में आया है दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो मैंडेटरी है इनवाइस में आपको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सप्लायर GST नंबर आपका चाहिए, उस QR कोड के अंदर होना चाहिए, सप्लायर UPI ID होनी चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड होना चाहिए, इनवाइस नंबर एंड इनवाइस डेट होना चाहिए, टोटल इनवाइस वैल्यू होना चाहिए, GST अमाउंट अलॉन्ग विथ ब्रेकअप CGST एस GST IGST के ब्रेकअप भी होने चाहिए और डायनेमिक QR कोड शुड बी सच डेट कैन बी स्कैन मेक ए डिजिटल पेमेंट, मतलब कि उस QR कोड को स्कैन करके डिजिटली पेमेंट किया जाए। ये सारी डिटेल्स एक ही QR कोड के अंदर टैली के इनवाइस के अंदर मैंडेटरी है, मतलब कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो भी आप B2C इनवाइस रेस करेंगे उसमें QR कोड के इनवाइस मैंडेटरी कर दिया था दोस्तों। ये दोस्तों किस तरीके से होगा, कैसे टैली के अंदर इंप्लीमेंट होगा, सारा मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा मैंने QR कोड में हम कैसे फिल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जैसे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास आए, नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों कि कैसे टैली के अंदर ये QR कोड मेंटेन होगा। पहले दोस्तों यहाँ पे TELI RP9 मैं ओपन करता हूँ। TELI RP9 ओपन करने पे दोस्तों यहाँ पे मैंने TDL एक अपलोड कर दिया है, यहाँ पे F11 पे आप जाएंगे, अपलोड करते ही यहाँ TDL पे एक ऑप्शन आएगा एड ऑन फीचर पे एक ऑप्शन आ गया इनेबल डायनेमिक इनवाइस QR कोड, यहाँ पे यस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछ रहा है आपका पेमेंट UPI ID, आपकी पेमेंट UPI ID क्या है, जो कि आपकी कंपनी की जो भी UPI ID होगी आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। जैसे UPI ID मेरी है AnyaTechShop LLP @ICICI, ये UPI ID है। आपको बैंक के थ्रू आपको UPI ID अगर आपको नहीं पता तो आप बैंक से अपनी UPI ID ले सकते हैं, जो भी बैंक आपका SGFC हो, ICICI हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, सारे बैंक आपको UPI ID प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे पेइंग नेम बिजनेस, आपकी कंपनी का नाम जो भी है AnyaTechShop LLP मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। प्रिंट QR कोड, इसमें 2 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि आपका, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे B2B एंड B2C इनवाइस। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि B2B या B2C दोनों इनवाइस के लिए मेरा ये QR कोड जनरेट हो तो आप फर्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, या आप चाहते हो कि ओनली B2C इनवाइस के लिए ये QR कोड UPI पेमेंट की जनरेट हो जो एज पर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट, ये आपके ऊपर चूज करता है दोस्तों, आप जो भी चूज करना चाहते हो। तो B2C के लिए अगर आप चूज कर लोगे तो B2B के लिए इनवाइस पे QR कोड ये वाला इनेबल नहीं होगा, तो मैं अभी फिलहाल B2C पे लेता हूँ जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे मैं आ गया। गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले डेबुक पे मैं कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर रखा है मैंने, जैसे कि यहाँ पे देखिए निधि सिंह करके मैंने एक 47,200 की एंट्री कर रखी है दोस्तों। यहाँ पे एंट्री पे मैंने दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एंट्री करते वक्त फिर यहाँ पे ऑल्ट भी करके यहाँ पे F12 किया मैंने, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा, सो UPI QR कोड डिफॉल्ट प्रिंट, यहाँ पे नो होगा, आपको यस करना है। यस करते ही इसको आपको सेव करना है, सेव करके आपको दोस्तों यहाँ पे यस करना है। यस करते ही आप देखिए यहाँ पे QR कोड ये जनरेट हो गया आपका, यहाँ पे स्कैन टू पे करके आप इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हो। मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे ये हो रहा है पे और किस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन को, आप जो भी B2C इनवाइस आप जनरेट करोगे उस पर स्कैन करके ये पे कर सकते हो। और यहाँ पे ये मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर को B2C को यहाँ पे इसको जनरेट किया है। अब मैं देखता हूँ कि जो मेरा रजिस्टर्ड डीलर है क्या उस पर भी QR कोड आता है, क्योंकि मैंने जो चूज किया है इस मॉड्यूल में ओनली B2C के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे टैली सॉल्यूशन करके ये मेरा रजिस्टर्ड डीलर है, ये B2B है। कंट्रोल एंटर करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए रेगुलर है ये कस्टमर, रेगुलर का मतलब क्या है, मेरा B2B है। तो इस पर क्या ये शो करेगा QR कोड, ऑल्ट पी करता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे यस करता हूँ,
यस करके देखता हूँ। देखो दोस्तों, बी टू बी में मेरा ये क्यू आर कोड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एज ए मॉड्यूल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से दो ऑप्शन था, मैंने बी टू सी चूज किया था। अगर मैं बी टू बी एंड बी टू सी बोथ चूज करता दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे ये क्यू आर कोड जनरेट होता। तो इस तरीके से दोस्तों, अब मैंने बी टू सी के लिए ही किया है, तो इसलिए बी टू बी पे नहीं शो होगा। और मैं अब यहाँ पे स्कैन करके दोस्तों देखता हूँ दोस्तों, बी टू सी में यहाँ पे ऑल्ट पी किया, मैंने यस किया, मैं इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार आपको क्लियरिटी दिखेगी। यस, यहाँ पे देखिए मेरा ये इनवाइस आपका ये पीडीएफ में आ गया, यहाँ पे क्यूआर कोड इस तरीके से हो गया। अब मैं क्यूआर कोड को इसके स्कैन करके दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे ये स्कैन करके ये क्या डेफिनेशन, ये क्या आपका डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पे मैं अब इसको स्कैन कर रहा हूँ मोबाइल से दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने ये मोबाइल ओपन कर लिया, मोबाइल पे देखिए यहाँ पेटीएम में ऑप्शन आ रहा है पे का स्कैन करने के लिए। अगर अब मुझे ये डीलर से सप्लायर का मुझे इनवाइस आ गया, अगर क्लाइंट को पे करना है तो यहाँ पे क्लाइंट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ क्यूआर कोड को स्कैन करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे 47,200 जो ऑटोमेटिक जो अमाउंट है एज पर इनवाइस वो ऑटोमेटिक यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। जीएसटी नंबर मेरा आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स डेट मतलब इनवाइस का नंबर आप देखिए ATL/2021/1 आ रहा है, डेट है 1/4/2021, अमाउंट आपका यहाँ पे सर एज पर अभी दोस्तों जो ऐप है ये अपडेट नहीं, अपडेट होने के बाद ये कुछ सारी डिटेल्स आपको शो करेगी। इस तरीके से आप यहाँ पे स्कैन करके आप यहाँ से क्लाइंट पे कर सकता है डायरेक्टली आपके एज पर गवर्नमेंट जो रूल है को अकॉर्डिंग, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स नंबर जीएसटी नंबर सब कुछ सप्लायर का यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से ये अकॉर्डिंग ये पेमेंट कर सकता है दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों आपने देखा इस आपके स्कैन करके क्यूआर कोड को मैंने मोबाइल से दिखाया कि पूरी डिटेल्स मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 47,200 की जो अमाउंट वैल्यू है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैन हो गया। अब मैं इसको बंद करके देखता हूँ। अब अगेन टैली में आते हैं, एक एज पर नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि एडवांस पेमेंट के लिए भी आपको UPI क्यूआर कोड को आपको पेमेंट यूज करना है। अगर क्लाइंट से आपको सेल से पहले एडवांस पेमेंट आ गई है तो उसमें भी आपको ये क्यूआर कोड की डिटेल्स डालनी होगी। तो जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक अमाउंट है, मैंने 10,000 का रिसिप्ट हुआ है एडवांस पेमेंट। यहाँ पे देखिए एडवांस पेमेंट में मैंने अनिल सिंह लिया है 10,000, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में लिया है एडवांस करके यहाँ पे मुझे लेना है एडवांस पेमेंट आया है 10,000। पार्टी से मुझे 10,000 की पेमेंट ऑलरेडी पहले से रिसीव हो गई है, मैंने एडवांस करके यहाँ पे नरेशन लिख दिया है, एंटर करके मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मैं बिल बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने अनिल सिंह बनाया, यहाँ पे कंट्रोल ए किया सेल्स, यहाँ पे टैली मल्टी यूजर ले लिया 54,000 प्लस GST, यहाँ पे आउटपुट GST ले लिया दोस्तों, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए एडवांस, मैंने जो 10,000 उसकी अमाउंट ऑलरेडी रिसिप्ट हुई मुझे, यहाँ पे मैंने बिल एलोकेशन में कोई नॉक ऑफ कर दिया कि मुझे एडवांस ऑलरेडी 10,000 रिसिप्ट हुआ है, और एंटर करके न्यू रेफरेंस में मैंने 53,720 एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मुझे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है मुझे कि ये जो अमाउंट है मुझे 10,000 ऑलरेडी रिसिप्ट है, तो मुझे जो पार्टी से पेमेंट आनी चाहिए 53,720 यहाँ पे एंटर किया, लेकिन इनवाइस वैल्यू आप देख रहे हो 63,720 आ रहा है। तो मुझे क्या स्कैन करने पे ये 53 आना चाहिए एज पर गवर्नमेंट रूल। तो यहाँ पे मैं इसको ऑल्ट ई कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ ले लिया, एंटर किया, यस कर दिया। यहाँ पे देखो दोस्तों बिल आ गया, मेरा जो बिल का अमाउंट है 63,720, लेकिन मेरे पास 10,000 अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हुआ है। तो मैं स्कैन करके चेक करता हूँ कि क्या मेरा वो नॉक ऑफ हुआ है एज पर क्यूआर कोड में। तो मैं चलिए मैं मोबाइल में फिर से स्कैन करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये क्या एज पर रूल्स एज पर मॉड्यूल्स कॉन्फ़िगरेशन क्या मुझे वो अमाउंट शो होता है। दोस्तों मैं अगेंस्ट मोबाइल्स में आपको देखिए मैं पेटीएम में फिर से आ गया मैं स्कैन करने के लिए। यहाँ पे देखिए फिर से अगेन पे पे गया मैं, और पे पे जाने के बाद मैं दोस्तों यहाँ पे इनवाइस को मैं स्कैन कर रहा हूँ। इनवाइस स्कैन करते ही यहाँ पे देखिए स्कैन करते ही यहाँ पे देखिए टोटल 53,720 जो कि मेरी इनवाइस की वैल्यू आपने देखा था 63,720 था, क्योंकि मेरे पास 10,000 ऑलरेडी एडवांस उसने क्यूआर कोड में ऑटोमेटिक नॉक ऑफ कर लिया दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर GST नंबर, डॉक्यूमेंट्स नंबर, डिटेल्स, डेट, इनवाइस डेट सारा शो हो रहा है हमें यहाँ पे दोस्तों इस
QR कोड के अंदर। तो एज पर गवर्नमेंट रूल हम दोस्तों इसको QR कोड को ऑटोमेटिक इसमें यूज कर सकते हैं टैली ERP 9 के अंदर। आपको टैली प्राइम के अंदर भी ज़रूरत है दोस्तों, तो हम इसको मॉडिफिकेशन करके आपको टैली प्राइम के लिए भी दे सकते हैं। चलिए हम सिस्टम पे चलते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या और डिटेल्स हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं सिस्टम पे आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये QR कोड को आप टैली में B2C के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके से इस मॉड्यूल को इनेबल करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। और आपकी रिक्वायरमेंट है अगर B2C में तो दोस्तों आप दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और इसको इम्प्लीमेंट कराइए। और बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आप इसकी कॉस्टिंग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, मेरे नंबर पे 9560488079 पे आप कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बता दूंगा QR कोड की कॉस्टिंग क्या है B2C के लिए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप मॉड्यूल अगर आपको अच्छा लगा है, ईजी लगा है, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।